सो हेलो ऑसम पीपल, हियर से होस्ट अभिलाष, तो बताइए क्या हाल चाल। आज मैं निकला हूँ एक शॉर्ट संडे राइड पे। बहुत दिनों से मन था कि एक राइड पर जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से जा भी नहीं पाया। लेकिन आज वक्त मिला है तो मैं भी निकल पड़ा हूँ। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो रुको, ज़रा सब्र करो। देखिए, मैं आज जा सकता था असम यूनिवर्सिटी की ओर, पाँचग्राम की ओर भी जा सकता था, लेकिन मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं सिलचर हाफलोंग रोड पर जाऊँ, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गया था तब मैं व्लॉग्स भी नहीं करता था, और तब हाफलोंग रोड कंस्ट्रक्शन जस्ट शुरू हुआ था और महालक्ष्मी रिसोर्ट क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर्स तक ही गया था। तो आज मैं जाऊँगा जहाँ तक भी अच्छा रोड मुझे मिलेगा, और आज ऑफ रोडिंग नहीं करूँगा हाफलोंग रोड पर, क्योंकि एक बड़ा रीज़न है जो कि मैं हाईवे मीट करने के बाद आप लोगों को बताऊँगा। अगर अभी ही मैंने सब आप लोगों को बता दिया तो हाईवे पे जाके मैं आप लोगों से क्या बातें करूँगा, सही है ना। और अभी मैं हूँ रोंगपुर के सदरघाट ब्रिज पे, फिर आएगा क्लॉक टावर जो कि NH 54 का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उधारबंद का पॉइंट क्रॉस करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए कुछ टाइम लैप्स। So that's the exact spot where I made the video on my scooty. And वहाँ पर आप लोग पहाड़ देख सकते हो भी या नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है, मेरा कैमरा इतना जस्टिस कर पा रहा है भी या नहीं। उस तरफ आप छोटे छोटे पहाड़ देख सकते हो, लेकिन है असल में बहुत बड़े। लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट, एटमोसफियर और ये जो क्लाउडी वेदर, यार यहाँ पर आप सब लोगों को चिल वाइब्स लेना चाहिए, और क्या बताओ इस जगह के बारे में। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी उधारबंद पॉइंट क्रॉस कर लिया हूँ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डोलू। और डोलू जाते वक्त एक रोड पड़ेगा जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी टी गार्डन्स मिलेंगे, राइट साइड में भी टी गार्डन्स मिलेंगे, एंड वो रोड है कम्प्लीटली स्ट्रेट। तो अभी एक्चुअल बात पर आते हैं, लेकिन उस बात में आने से पहले अभी सामने जाके आप लोगों को एक राइट टर्न में एक रोड मिलेगा जो कि सीधा उधारबंद आप लोगों को लेके जाएगा, एंड वहाँ से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो। जब उधारबंद का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन में था तब सभी लोग वो वाला जो रोड अभी सामने आप देखोगे उस रोड से ही उधारबंद जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे। लेकिन अभी तो उधारबंद का रोड चुम्मी रोड बन चुका है, सो उस रोड पर अभी कोई जाता भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आपका मन चाहे, आपको अगर ज़्यादा घूम के अगर एयरपोर्ट जाना है या फिर उधारबंद जाना है, देन यू कैन गो, इट डिपेंड्स अप टू यू। तो अभी कुछ ही देर में वो रोड्स आने वाला है, वो रोड क्रॉस करते ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आज ऑफ रोडिंग का रिस्क क्यों नहीं लेने वाला हूँ। सो वो पॉइंट आ चुका है, यहाँ से राइट टर्न लेते ही आप लोग पहुँच जाओगे उधारबंद, एंड वहाँ से आप लोग जा सकते हो एयरपोर्ट। सो इसी रोड से हम लोग जाया करते थे। तो अभी आप लोग एंजॉय कीजिए थोड़ा और टाइम लैप्स, देन वी गोना टॉक अबाउट दैट व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ रोड दिस टाइम ऑन द सिलचर हाफलोंग रोड। सो एंजॉय द टाइम लैप्स। के गंदे पैचेस आप लोगों को NH 54 में मिलते ही रहेंगे, एंड सच बात बताओ तो ये जो पैचेस है दीज आर वेरी डेंजरस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइडर्स क्या करते हैं 70-80 स्पीड में, तो मिनिमम 70-80 स्पीड में क्रूज करते हैं, एंड दिस बिकम वेरी डेंजरस फॉर देम। एंड कुछ लोग तो नाइट पे भी राइड करते हैं, सो रात को दिखाई भी नहीं देता है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली। अभी आप लोगों के सामने टी गार्डन वाला
पैच मिलेगा जहाँ पर मैंने बोला था स्ट्रेट रोड लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड टी गार्डन। सो एन्जॉय दैट टी गार्डन वाला टाइम लैप्स। टी गार्डन वाला पार्ट तो अभी ख़त्म हो चुका है एंड विल बी रीचिंग डोलू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स। तो मैं आप लोगों को जो बोलने वाला था, आप सब आई थिंक जानते हो कि मैं अभी ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में हूँ एंड कुछ ही दिन पहले यूजीसी ने एक गाइडलाइन रिलीज़ किया था दैट फाइनल एग्जाम्स 31 अगस्त से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। सो अभी प्रेशर टूवर्ड्स स्टडी और भी बढ़ चुका है एंड इस प्रेशर में तो रिस्क लेना नहीं बनता। एंड मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सिलचर हाफलोंग रोड इज़ द वर्स्ट हाईवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट और इस एग्जाम्स के प्रेशर पे वजह से व्लॉग्स भी अभी कम आने वाले हैं। बट आई एश्योर दैट आफ्टर एग्जाम्स व्लॉग्स रेगुलर आएंगे और ज़रूर आएंगे एंड आई एम नॉट गोना डिसअपॉइंट यू गाइज एनी मोर। सो अभी जो व्यू आने वाला है ना, लिटरली भाई लोग क्या व्यू है, देखो एक बार इस व्यू को, देखो एक बार देखो। मतलब जो लोग इस हाईवे में अभी आएंगे ना और जो लोग अभी इस ये हाईवे एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस ये हाईवे एक बार कंप्लीट हो जाए देन जो भी यहाँ पर राइड के लिए आएगा, जो भी सिलचर से हाफलोंग जाएगा, तो वो चाहे बाइक पर हो, गाड़ी पर हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स पर, 16 व्हीलर्स, जितना भी व्हीलर पर चला जाए, वो इस व्यू इन जो ये जो व्यूज़ आने वाले हैं और ये जो व्यूज़ आप लोग देखोगे, हर एक बंदा, हर एक बंदी एंजॉय करेगा इस व्यू को। तो को मिलने वाला है महालक्ष्मी रिजॉर्ट, अभी एक टर्न आएगा, इस टर्न को लेने के बाद ठीक बाद ही हम लोगों को महालक्ष्मी रिजॉर्ट मिल जाएगा। उफ क्या रोड्स है, काश आप लोगों तक जल्दी बन जाए ये वाला रोड। तो अभी राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो पेट्रोल पम्प एंड द महालक्ष्मी रिजॉर्ट। पहले ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी थोड़ा मतलब स्टाफ्स आई थिंक कम है, सो ये इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है अभी। तो छोड़ो, महालक्ष्मी को छोड़ो, अभी अभी हम लोग जा रहे हैं इस रोड पे, अभी जाके शुरू हुआ है एक्चुअल राइड। ये महालक्ष्मी तक तो आते जाते रहते हैं ना, लेकिन महालक्ष्मी क्रॉस कितने बार करते हैं, बहुत ही कम। एंड बालाछरा, हाँ, तो इस जगह का नाम है बालाछरा और आई थिंक अभी जाके नहीं, अभी भी नहीं, अभी और भी थोड़ा जाना पड़ेगा अगर अच्छा रोड्स पाना है। गंदा रोड्स होने में क्या होता है पता है, मतलब आपका जो स्पीड होता है ना वो बहुत घट जाता है और डिस्टेंस जल्दी कवर नहीं कर सकोगे। अगर स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस आप लोग कवर नहीं कर सकोगे अगर स्पीड घट जाएगा तो। एक बार ये गंदा रास्ता ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये माय गॉड क्या भाई, रास्ता अच्छा रास्ता शुरू हो जाना यार, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अभी जितना तक मुझे याद आ रहा है ये टर्निंग लेने के बाद जाके आई थिंक अच्छा रास्ता शुरू होने वाला है। तो एक बार मैं ये गंदा वाला पैच ख़त्म कर लेता हूँ, फिर जाके आप लोगों से मिलता हूँ अच्छे वाले पैच पर। सो एंजॉय गाइज।
So guys, we are finally back on good roads. That's the beauty of North East. Just see the clouds. यार कोई मारो मुझे. ओ बेड़े मच गई बेड़े हुआ. आप रोड्स भी देख सकते हैं. ऐसा अच्छा रोज जहाँ तक भी मिलेगा वहाँ तक तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे वो कितना भी दूर. तो कुछ महीने पहले ऐसा रोड्स नहीं हुआ करता था. ये रोड बहुत ही ज़्यादा गंदा रोड था, लेकिन अभी काम चालू है, काम चल रहा है. पता नहीं कहाँ तक ऐसा रोड्स है, लेकिन यार ओ भाई और भी 20-30 किलोमीटर रोड ऐसा रहे तो धन्य हो जाएगा धन्या. ओ भाई शुरू हो गया क्या? नहीं, आगे तो फिर से अच्छा रोड दिख रहा है. ज़्यादा खुशी होने का यही एक मतलब डिसएडवांटेज है. ज़्यादा अब कुछ चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा अगर जल्दी खुश हो जाओगे, ज़्यादा चिल्लाने लगोगे तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म भी हो जाता है. इट्स सेम विद द सिलचर आफलोंग रोड मैन. यार क्या व्यूज़ है, थोड़ा तो हिल्स मिल जाए यार. हिल्स का स्वाद नहीं चखा है, बहुत दिन हो चुका है. अभी कौन से तरफ से जाओ, इस तरफ से या उस तरफ से? ओ इस तरफ पर रोड बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है. यस 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 लैंडस्लाइड. सो वी हैव टू टेक द अनदर रोड. वो वाला रोड, उस वाले रोड पर जाना है. तो इस वाले हिल्स पे एक यही प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स होता रहेगा. लैंडस्लाइड्स इन अ कंटिन्यूस वे लैंडस्लाइड्स होता है हिल, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, हर जगह पर होता है. यहाँ पर रोड बंद है या खुला है लैंडस्लाइड के लिए पता नहीं. आई थिंक सो, ये तो पहाड़ कटा हुआ नहीं लग रहा, ये लैंडस्लाइड ही लग रहा है. सो अभी छोड़ो यार, लैंडस्लाइड हो या कटा हुआ, जो हो जो भी हो, मुझे तो राइड करना है, थोड़ा हिल्स मिल जाए यार. आई थिंक अभी बैड रोड्स मिलेंगे. जेसीबी चला है, जेसीबी दिख रहा है. सो आई थिंक बैड रोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे अभी. यार बैड रोड मत मिल यार. कहाँ कहाँ से वो पत्थर ले रहे, मिट्टी ले रहे, पता नहीं यार. खत्म, अच्छे रोड्स खत्म. सो अच्छा रोड्स का चैप्टर ख़त्म हो चुका है. अभी फिर से हम रिटर्न कर रहे हैं, तो देख लिया है. ज़्यादा रोड बना नहीं है, ज़्यादा लिटरली ज़्यादा रोड नहीं बना है. आशा कर रहा था और भी थोड़ा मिलेगा. अच्छा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. रोड्स अच्छी तरीके से एक बार बन जाए. ये वाला ऑफ रोड करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए नहीं कर पा रहा हूँ. ये सारा एग्ज़ाम बिना रिटर्न कर रहा था, घर की ओर जा रहा था, और जाते वक्त मुझे एक बड़ा अच्छा सा व्यू मिला है. तो मैंने सोचा यहाँ पर रुक के थोड़ा फ़ोटोज़ और वीडियोस खींच लेता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ. ये व्यू मतलब क्या बताओ यार, रोड इतना अच्छा है. एक बार मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इस रोड को पूरा कम्प्लीट कर दो जल्दी. और वैसे 2022 मार्च महीने के पहले तो ख़त्म करने का डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने. अभी पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, लेकिन यार व्यू इतना मस्त है. रुको आप लोगों को एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं. तो अभी उस तरफ एक नदी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं ये जेटिंगा रिवर है या फिर बराक रिवर है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है. और नीचे से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू पानी बह रहा है,
एंड पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। हाँ होना ही चाहिए पानी का फ्लो ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रहा है ना कंटिन्यू। एंड जस्ट लुक एट द क्लाउड्स, ओ माय गॉड, जस्ट सी द व्यू, जस्ट सी द क्लाउड्स। तो आप लोगों को दिखा लिया ये स्वीट सा स्पॉट, आपको ऐसा व्यू मिल जाए और आपके सामने आपका व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी हो आपके सामने ऐसा खड़ा हो, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखिए, जस्ट सी, इट्स लुकिंग ग्रेट ना। एंड जस्ट सी द रोड्स, दीज आर द गुड कंडीशन रोड्स। तो इन लोगों को कहते हैं पगला पगला ड्राइवर बोलते हैं इन लोगों को। अच्छा छोड़ो इन लोगों को। तो एक बार ऐसा रोड कंप्लीट हो जाए हाफलोंग तक, फिर तो भाई ज़िंदगी के मज़े ही मज़े लेने हैं। एक बार ये हाफलोंग का रोड ख़त्म हो जाए तो फिर ज़िंदगी, अभी तो ज़िंदगी झंडवा हो रखा है। सो ऐसे रास्ते पर जाओगे, गाना क्या गाओगे, जानू मेरी जाने मन। मैं चलता हूँ, अभी बहुत देर हो चुका है, धूप तेज़ हो रहा है, अभी घर जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कर देना, जितना भी कुछ करना है सब कर देना आप लोग। और जाते वक्त वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको ठोक देना, और उसके साथ में एक घंटी रहेगा तो उस घंटी को भी ठोक देना। अगर आप ये घंटी ठोकोगे तभी तो जानोगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।